अप्रैल तो लैके अप्रैल 2022 तो लैके जुलाई 2022 तक GST की कलैक्शन दे विच किन्ना वाधा होया, पंजाब दे रेवेन्यू दे विच किन्ना वाधा होया, इहदे बारे गल करन लई तुहाडे नाल असीं अज आयांगे। जे कंपेयर करिए 2021 दे अंकड़िया दे मुताबक तो मैं समझदा बहुत बड़ा एक फेरबदल होया गा। और अप्रैल 21 दे विच 2021 दे विच अप्रैल महीने जिहड़ी GST दी कलैक्शन सीगी वो 1924 करोड़ रुपए सी। अप्रैल महीने की मैं गल करदा 2021 की। 2022 सरकार चेंज होने तो बाद जो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने, पहले महीने 1994 बेशक ग्रोथ हुई घट हुई पर लेकिन 3.64% की ग्रोथ जिहड़ी आ वो पहले महीने अप्रैल के पहले महीने जिहड़ी आ वो दर्ज की गई। दूसरा महीना मई का आउंदा गा, मई 2021 दे विच पंजाब की जिहड़ी GST की कलैक्शन सी वो 1266 करोड़ रुपए सी। 1266 करोड़ रुपए 2022 मई उही कलैक्शन 1833 करोड़ रुपया। 1833 करोड़ रुपया 1266 तो बद के 1833 करोड़ रुपए की जिहड़ी आ वो GST की कलैक्शन हुई आ। और लगभग 44.79% का वाधा वो मई महीने दे विच रिकॉर्ड एक वाधा जिहड़ा नोट किया गया, रिकॉर्ड वाधा GST की कलैक्शन च होया गा। इस तरीके जून महीने की गल करते हैं 2021 दे विच 1111 करोड़ रुपए की कलैक्शन हुई। और जून 2022 जिहड़ा लंघिया महीना 1683 करोड़ की जिहड़ी आ वाधा होया और 572 करोड़ की जिहड़ी आ ग्रोथ हुई। और 51.49% का जिहड़ा रिकॉर्ड वाधे की GST कलैक्शन दे विच पंजाब दे विच होया। इस तरह जुलाई की मैं गल करदा क्योंकि जुलाई जिहड़ा कल ही खत्म होया, 2021 दे विच 1533 करोड़ रुपए की कलैक्शन सी। और 2022 जुलाई दे विच 1733 यानी कि 13.5% का वाधा रिकॉर्ड किया गया। कुल इन चार महीनों के दौरान जिहड़े 4 महीने लंघे ने गे, इन 4 महीनों के दौरान जिहड़ी आ 24.15% का एक रिकॉर्ड वाधा जिहड़ा हैगा वह GST की कलैक्शन दे विच होया गा। और इस तो बिना मैं गल करनी चाहांगा कि जिहड़ी CCL लिमिट सीगी उहदा सब तो पहला 2017 दे विच CCL लिमिट दा सामने आया सीगा 30,584 करोड़ रुपए। 30,584 करोड़ रुपए सीगी। और उहदी जदों लॉन्च कन्वर्ट होया उस समय दी गौरमेंट श्रोमणी अकाली दल BJP दी गौरमेंट ने केंद्र सरकार नाल वह जिहड़ा होया सी उहनूं लॉन्च कन्वर्ट किया तां 270 करोड़ रुपए की जिहड़ी किस्त आ उस समय बनी। और 17 साल दे लॉन्च कन्वर्ट हुई 2017 तो लैके 2034 तक 2017 तो लैके 2034 तक वो लोन जिहड़ा हैगा वो सरकार ने देना सीगा। उहदे विच सरकार ने नैगोशिएशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे नाल की, RBI दे नाल की नैगोशिएशन करके जिहड़ा ब्याज 8.25% सीगा वो घटा के 7.33% होया। और लगभग 3,094 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा वो पंजाब नूं फायदा होया, साडे खजाने नूं फायदा होया। और जिहड़ा लोन 2034 च खत्म होना सी, जिहड़ा लोन पंजाब दा 2034 च खत्म होना सी वो लोन जिहड़ा हैगा हुण 2033 च खत्म होगा। एक बड़ी प्राप्ति जिहड़ी आ वो पंजाब सरकार ने की आ, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने की आ। इस तरह
जे मैं गल करा कुल डेट की, क्योंकि बहुत सारिया र्यूमर्स, बहुत सारिया अफवाह पुरानी सरकारां दे, पुरानी सरकारां दे लोग, पोलिटिकल पार्टियां, चाहे अकाली दल आ, चाहे बीजेपी आ, चाहे कांग्रेस पार्टी आ, लगातार पंजाब दे लोगों को गुमराह करने का यतन कर रही नेगियां। पंजाब दे विच जिन्ना कर्जा सीगा अप्रैल दे विच असी जिहड़ा उहदी प्रिंसीपल अमाउंट वजो 1362.96% वापस किया, इंट्रस्ट 1099 करोड़ रुपया वापस किया, टोटल जिहड़ा 2452 जिहड़ा 0.58% जिहड़ा असी वह रिटर्न किया। मेरा कहण दा भाव लगभग 952.58% जिहड़ा हैगा असी एडिशनल पेमेंट की, जबकि असी लोन किन्ना रेज किया, मैं लोन बारे भी दसा क्योंकि फिर तुसी सवाल आऊगा, 1500 करोड़ रुपए का लोन रेज किया, वापस किन्ना किया 2452.58 जिहड़ा हैगा पैसे। इस तरह मई की गल कर लिए, जून की गल कर लिए, जुलाई की गल कर लिए, एंड दे उत्ते मैं दसना चाहांगा कि असी प्रिंसीपल अमाउंट इन्हां चारां महीनों के दौरान जिहड़ा पंजाब सरकार ते कर्जा गा जिहड़ा पुरानियां सरकारां ने भी लिया होया और उहदे विच्चों 5520.34 करोड़ रुपया जिहड़ा सीगा उसी प्रिंसीपल अमाउंट जिहड़ी आ उह पुराने कर्जे की पंजाब सरकार ने इन्हां चारां महीनों के दौरान पे की आ 5520 इस तरह इंट्रस्ट से जोड़ा, क्योंकि इंट्रस्ट भी लगभग 2.75 लाख करोड़ का इंट्रस्ट भी लगभग बराबर ही हो जाता गा, 4846 करोड़ रुपया जोड़ा है असी इंट्रस्ट इन्ह चार महीनों के दौरान उस लोन का जोड़ा है वो वापस किया गा। कहण का भाव कुल टोटल असी 10,366 ये पंजाब गौरमेंट का, क्योंकि बहुत सारिया होर कारपोरेशन भी नेगिया, पंजाब गौरमेंट का 10,366 करोड़ रुपया जोड़ा है वह प्रिंसीपल अमाउंट और इंट्रस्ट वजो गौरमेंट ऑफ इंडिया जोड़ा रीपे किया गा। लोन किन्ना लिया, लोन असी लिया पंजाब सरकार ने इस समय दौरान 8100 करोड़ रुपया, वापस किन्ने किते 10,366, लोन किन्ना रेज किया 8100 करोड़ रुपया, यानी कि सरकार ने अपने रेवेन्यू सोर्सिस पैदा करके अपनी GST की कलैक्शन बढ़ा के अपनी एक्साइज की पॉलिसी की जी उतों पैसे इकट्ठे करके उस पॉलिसी बना के लगभग 2266 करोड़ रुपया, 2266 करोड़ रुपया जोड़ा है वाधू डेट की सर्विस की, करजे का ब्याज भी मोड़िया अते करजा भी मोड़िया, ये जिहड़ी आ लोन की सिचुएशन आ। इस तरह सरकार ने हुण तक चार महीनों के दौरान जिहड़ियां वख-वख पहलकदमियां करते हुए वख-वख स्कीमां दे उत्ते जिहड़ी आर्थिक तौर पर पैकेज दिते जां आर्थिक तौर पर सहायता दिती डिपार्टमेंट्स नूं, उहदे विच्चों सब तो पहला कोआपरेशन डिपार्टमेंट दे विच जिहड़ा बैंक आ पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर कोआपरेशन बैंक PSACB जिहड़े ते मैं समझदा बहुत वड्डा कर्जा चढ़िया होया सीगा और इह जिहड़ा बैंक आ सीधे तौर पर पंजाब दे फार्मर दे नाल जुड़िया गा, पंजाब दे किसानां दे नाल जुड़िया गा, किसानां नाल संबंधित लोकां नाल जुड़िया होया गा, जिहड़े किसानां नूं कर्जे दिंदा गा वो बैंक हैगा और इहनूं पहला फस्ट तौर पर जिहड़ा हैगा 500 करोड़ रुपए का बजट असी रखिया सीगा और असी 525 करोड़ रुपये दे के जिहड़ा बैंक आ PSAB जिहड़ा इहनूं असी बेल आउट किया गा, यानी इस बैंक नूं असी NPA होण तों पंजाब सरकार ने बचाया गा। एक बड़ी सहायता जिहड़ी आ वो पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर कोआपरेटिव बैंक नूं पंजाब सरकार वल्लों इन्हां चार महीनों के दौरान जिहड़ी दित्ती गई आ। इस तरह जिहड़ी पेंशनर सी इस बैंक के पेंशनर लगभग जिन्हां ने 2010 च पेंशनर जिन्हां ने 2010 दे विच अपना केस मानयोग सुप्रीम कोर्ट तों जित चुके सी
पेंशन नाल संबंधित केस सीगा और 2010 तो लैके किसी भी गौरमेंट ने जिन्हिया भी गौरमेंटा पंजाब च रही श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की गौरमेंट रही कांग्रेस पार्टी की गौरमेंट पंजाब च रही किसी ने मुलाजमान की बाह नहीं फड़ी और पहली बार होया कि 188 करोड़ रुपये की उन्होंने लाइबिलिटी सी 188 करोड़ की पूरी की पूरी लाइबिलिटी जी सरकार वालों नभा दिती गई है असी अपने वालों सारे पैसे वो जारी कर दिते गए हैं। इस तरह शुगर केन के पैसे से वह भी कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता गा वो असी बजट के 200 करोड़ का प्रबंध किया असी 100 करोड़ रुपया जोड़ा हैगा वो तुरंत फार्मर के खात्या भेज चुके हैं जोड़े बैंक सॉरी जोड़े मिल ने गए जोड़ा डिपार्टमेंट के अधिकारी उन्होंने जारी कर चुके हैं ताकि जोड़ा है फार्मर उन्होंने पैसा मिल सके। इस तरह पंजाब की एक होर वड्डी कारपोरेशन जी मैं समझना फिर एक पंजाब के लोगों को बहुत सारिया सहूलत देती है पनसप के उत्ते बहुत बड़ा जोड़ा एक करजा सीगा वह भी जोड़ा एन पी हो रहा सीगा भी असी जोड़ा है 350 करोड़ के जारी कर रहे हैं पर लेकिन मैं स्पष्ट कर दिया कि 50 करोड़ की पहली किस्त जी असी वह भी जी कारपोरेशन जारी कर चुके हैं पनसप ताकि वह अपनिया जीडिया लाइबिलिटीज ने उन्होंने तो सुरखरू हो। इस तरह जे मैं गल करा जी नवी स्कीम मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री साहब ने लांच की सी मूंग दाल की कल्टीवेशन की कि मूंग दाल की कल्टीवेशन तीजी फसल के लिए पंजाब के किसान उत्साहित किया और असी 100 करोड़ रुपए का उपबंध किया और 100 करोड़ के 66.56 करोड़ रुपया जोड़ा है असी वो जारी कर चुके हैं और रही जी अमाउंट हैगी वह भी बड़ी जल्दी असं जारी कर देंगे। इस तरह जिहड़ा डायरैक्ट सीधी बिजाई किसानों नूं पानी धरती हेठला पानी किवें बचाउणा गा सरदार भगवंत सिंह मान जी ने योजना जिहड़ी आ बना के पंजाब दे किसान दे सामने पंजाब दे फार्मर दे सामने रखी सी कि तुसीं झोने दी सीधी बिजाई करो DSR तकनीक दे राहीं बिजाई करो सरकार तुहानूं 1500 प्रति एकड़ मुआवजा देगी और उहदे विच वी असीं 450 करोड़ का जिहड़ा उपबंध कीता गा और राशि जी जारी हो रही है। इस तरह पावर की गल असी सप्लाई कर चुके हैं। सो मेरा कहने का भाव आ सरकार ने हुण तक GST दे विच पहली बार होया गा कि 24.15% का वाधा जिहड़ा वह नोट किया गा 24.15% का वाधा पहली बार होया गा और डेट की सर्विस लोन की भी सर्विस हुई आ लोन बद मोड़िया गया लोन की सर्विस जी बद की गई आ लोन नवा जो घट लिया गया है। सो मेरा कहने का भाव सरकार जी एक प्रोग्रेसिव अगे बढ़ रही है और बिल्कुल उस दिशा के सरदार भगवंत सिंह मान जी दिया डायरेक्शन के तहत असी पैसा भी बचा रहे हैं लोगों को सहूलत भी दे रहे हैं एक पास पहाड़ जिदा वड्डा करजा भी दिखाई दे रहा और दूजे पास पंजाब के लोगों ने जिन्हिया कमिटमेंट्स साड़ी पार्टी वालों साड़ी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी वालों की गई वो सारिया कमिटमेंट्स असी पूरिया भी कर रहे हैं और लोन भी पे कर रहे हैं। धन्यवाद जी। देखो शराब की जिहड़ी इनकम आ वो नहीं घटी हैगी शराब की इनकम पहली बार होया कि एक्साइज पॉलिसी के राही साड़ी इनकम जिहड़ी आ वो बढ़ रही आ क्योंकि कई किस्तां होंदियां नेगियां किसी की किस्तां आउणियां होंदियां जिन्हां नूं असी अलॉट किए ने गए बैंड्स अलॉट किए ने ठेके अलॉट किए ने गियां उन्हां दे किस्तां जिहड़ियां नेगियां वो बिल्कुल आ रही ने ड्यू कोर्स आ रही नेगियां। इस दे विचों पहली बार होया गा कि लगभग 20 सालां बाद एक्साइज पॉलिसी च वड्डा एक बदलाव आया गा उस बदलाव के तहत साड़ी इनकम दे विच इजाफा हो रहा है। और दूजा तुहाडा की सवाल हाँ GST कंपनसेशन तो बंद हो लास्ट जी मीटिंग सी लास्ट मीटिंग जी GST कौंसल की मीटिंग सी उन्हें पंजाब ने होस्ट किया हरियाणा ने होस्ट किया चंडीगढ़ ने असी सारे को होस्ट सीगे उस मीटिंग दे विच GST जी खत्म जी हो सॉरी कंपनसेशन खत्म होया गा उहदा मुद्दा पंजाब वालों उस GST कौंसल के सब तो पहला मैं क्योंकि GST कौंसल का मैंबर हाँ गा
उस रेज किया कि आने वाले समय के दौरान जी एस टी कंपनसेशन रजीव जो है होर बताया जाए क्योंकि हजे स्टेटा जड़िया ने गिया राज जड़े ने गए वो अपने पैरों पर चंगी तरह खड़े नहीं हुए हैं राजा होर समा चाहिए गा और उस तो बाद बहुत सारे होर राजा ने गिया बहुत सारे होर साडे जिहड़े राज ने गे स्टेट के उन्होंने भी जी ये मंग रेज की सी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों साडे जिहड़े फाइनांस मिनिस्टर ने मानयोग निर्मला सीतारमन जी उन्होंने भरोसा दवाया कि असी बचार कर रहे हैं पर लेकिन हजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई डिसीजन नहीं लिया पर लेकिन मैं सच कहना गा कि इस समागा पंजाब नूं अपने पैरों पर खड़े होने का अपनी जी कलैक्शन ठीक कर जिथे कितने चोर मोरिया बंद कर बिल्कुल उस सही उस डायरेक्शन वल सरकार जी काम कर रही हैगी बिल्कुल पैरों पर खड़े होवे पर लेकिन अफसोस पिछले पंजा साल कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में रही एक भी यतन नहीं किया गया कि पंजाब नूं पैरां ते किवें खड़े करना गा सिर्फ तो सिर्फ डिपेंड करते रहे जीएसटी जिहड़ा है कंपनसेशन देते हुण जिहड़ा कंपनसेशन बंद हो गया पर लेकिन साडी सरकार दी सरदार भगवंत सिंह मान जी ने ड्यूटी लाई आ सारे अफसर साहबान की मेरी ड्यूटी लाई आ असी हरेक खिते दे विच अपनी जिहड़ी आ कलैक्शन भी वधा रहे हैं बगैर कोई नवा टैक्स लाए सब तो बड़ी गल है कि बगैर कोई टैक्स लाए जी 24% की ग्रोथ हुई है एक बहुत ही रिमार्केबल जिहड़ा स्टैप आ सरकार दा देखो बिल्कुल पिछले समय दौरान बहुत सारे अजे खेत्र ने पंजाब के जिथो चंगा मालिया इकट्ठा हो सकता गा जिथों चंगा रेवेन्यू जिहड़ा हैगा उस स्टेट नू आ सकता गा उत्थे एक नवे प्रकार के जो माफिए वो पैदा होए सीगे चाहे आप ट्रांसपोर्ट के माफिए की गल कर लिए चाहे वह शराब माफिए की गल कर लिए चाहे रेत माफिए की गल कर लिए और असी बहुत सारिया पॉलिसिया सरकार हजे 4 महीने का समा होगा बहुत सारिया पॉलिसिया सरकार बना चुकी आ और बहुत सारिया पॉलिसीज जड़िया नेगिया पाइपलाइन के विच नेगिया बन भी रही नेगिया सो बिल्कुल असी खजाने में जिन्ने पैसे आने चाहिए ने ईमानदारी वो जो सारे पैसे खजाने चाहन लग जाएंगे तो मैं समझता पंजाब के खजाने की सेहत भी ठीक होगी पंजाब का खजाना भी ठीक होगा लंबे अरसे दौरान जिहड़ी साडे वित्तीय हालात सीगे उन्हां दे उत्ते पुरानियां जिहड़ियां सरकारां दीआं पुरानियां पार्टियां दीआं सरकारां रहियां नेगियां चाहे श्रोमणी अकाली दल होवे चाहे बीजेपी होवे चाहे कांग्रेस पार्टी होवे उन्होंने खजाने वल कदे ध्यान नहीं दित्ता कि खजाना किवें ते कित्थों भरूगा एक मिनट मैं लैट मी कंप्लीट मैं दे रहा जवाब दे रहा भी कित्थों भरूगा सो खर्जा लेंदे रहे बिल्कुल हुण सानू कई बार ऐसे करजे नेगे जिहड़े उह भी सानू करजा लैके वापस करने पै रहे नेगे पर लेकिन सरकार ने मैं जिहड़ी पॉजिटिव तुहानू गल कर रहा कि सरकार करजा कट ले रही आ रीपे मोड़ असीं वध रहे एक साडा सरकार दा पॉजिटिव जिहड़ा हैगा जिवें तुसीं कहा कमिटमेंट्स तमाम पूरियां कीतियां जाण जाणगियां देखो शुरुआत जी पंजाब के खजाने की जी पंजाब के खजाने की सेहत आ सुधरनी शुरू हुई है पहले 4 महीनों के पॉजिटिव पक्ष जो सामने आ रहा कि पंजाब के खजाने की जी सेहत आ सुधरनी शुरू हुई है बिल्कुल ये जी जो सवाल है कि 1000 महिलावान कदों देना गा एक कमिटमेंट साड़ी पार्टी वालों साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी वालों साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों पंजाब दी महिलावां दे नाल साडियां मामा भैणां दा कीती गई सी इहदे लई समां लगूगा पर लेकिन असीं उह 100% उह कमिटमेंट पूरी करांगे इस तों पहलां होर जिन्नियां कमिटमेंट सीआं साडियां जिन्नियां साडियां गरंटियां सी उहनां सारियां गरंटियां दे उत्ते 4 महीने 'च कम शुरू हो चुक्किआ नहीं तां सरकारां 4 साल बाद जागदियां सी पिछली सरकार भी 4 सालां बाद जागी तुसीं नोट कीता होगा कि 4 सालां बाद सरकार जागी सीगी और जिहड़ी उस तो पहली सरकार सी वह भी 4 सालां बाद जागदे सी साडी सरकार ने 4 सालां दे दौरान बड़े फैसले चाहे पंजाब दे नौजवान होण चाहे पंजाब दे किसान होण चाहे पंजाब दे व्यापारी होण चाहे कोई भी वर्ग आ पंजाब दा उन्हां दे हक विच लए ने ये बहुत ही एक बड़ा पॉइंट आ 26,454 नौकरियां पहलां 2 महीनों के एडवरटाइजमेंट करनियां नहीं तुसीं सारिआं ने देखा कि लास्ट 6 महीनों 'च हुंदियां सी और 36,000 मुलाजमान 36,000 मुलाजमान पक्के करने की प्रक्रिया जी
वह भी सरकार दे असी उत्ते लगातार मीटिंगां कर रहे हैं ताकि 36,000 साढ़े कामे जिहड़े कंट्रैक्ट बेस ते नेगे उन्होंने पक्के किया जा सके। इस तरह एक MLA एक पेंशन का वादा सीगा कि एक MLA सिर्फ एको पेंशन मिलेगी असी अपने वालों करके जिहड़ा पूरा किया गा। इस तरह होर बहुत सारे 300 यूनिट बिजली दे हरेक घर नूं देने सीगे वो जुलाई तो 1 जुलाई तो जी लागू हो चुके हैगा। सो मेरा कहने का भाव आ सरकार जिहड़ी आ जिथे एडा वड्डा फाइनैंशियल बर्डन हैगा जिथे एडा वड्डा पहाड़ जिहड़ा करजा गा और जिन्नियां कमिटमेंट ने जिन्नियां वो सारियां पूरियां कर रहे हैं और वो करजे नूं लाउण दी जिम्मेवारी पंजाबियां ने पंजाब दे लोकां ने साडी सरकार दी सरदार भगवंत सिंह मान जी दी आम आदमी पार्टी दी लाई आ वो बाखूबी निभा रहे। अज असी फैसला किया गया कि जो स्टेक होल्डर ने जो नौजवान कंट्रैक्ट पर रखे हुए ने उन्हें जिन्नी भी यूनियनज ने गिया उन्होंने चाहे वह एजुकेशन काम करते हैं चाहे वह हैल्थ काम करते हैं उन्होंने सारे दे पड़ावार मीटिंगा करके उन्हों तो क्या क्योंकि बहुत सारिया ने कानूनी अड़चना ने गिया बहुत सारिया कानूनी अड़चना ने गिया वो अड़चना उन्होंने भी सुझाव लै लीए कई बार की होंगे उन्होंने को अच्छे सुझाव ने गए वो सारे सुझाव लैके असी जिहड़ा उन्होंने हल करांगे सारिया यूनियन जो असी सुन रहे देखो साढ़े वालों बिल नहीं बिल्कुल असी जो बिल पास करके माननीय गवर्नर साहब को भेजा गया माननीय गवर्नर साहब ने जो पास करना गा बिल्कुल सरकार संजीदा गी असी अपना रोल निभाया गा मैनू पूर्ण आशा के माननीय गवर्नर साहब बड़ी जल्दी जिहड़ा हैगा उहनूं पास करके भेज देखो मैं फिर स्पष्ट कर रहा कि वह बिल जिहड़ा हैगा साडी कैबिनेट वल्लों पास पहला किया गया सीगा विधानसभा च पास हो चुकिया गा वो मानजोग जिहड़ा है गवर्नर साहब कोले पेंडिंग पिया गा पर लेकिन पास होकर जल्दी आ रहा और उस बाद सारी खत्म हो जाएगी। देखो सरकार जिहड़ी आ असी इन्हां चारां महीनियां दे दौरान जिहड़ा 4 महीनियां दे दौरान 2266 करोड़ रुपए का अडिशनल जिहड़ा जिन्ना असी लिया तो पे किया गया तुसी इत्थों देखो कि सरकार की मंशा सरकार की नीयत जिहड़ी आ वो साफ आ। देखो मेरे को अजे इस तरह की कोई भी जी गल सामने आई तुहाडे जरिए कोई भी आ पंजाब चाहे साडा चाहे बगाना चाहे साडा चाहे बगाना जिन्हें जमीन दबी आ पंजाब जमीन जे सरकारी आ तो छड़ाई जाऊगी।